अस्सलाम वालेकुम। हैंड सैनिटाइज़र घर पर बनाना सीखिए। करोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र जरासीम कुछ महलूल हैंड यानी कि हैंड सैनिटाइज़र की डिमांड बढ़ गई है और ये मार्केट से बहुत ही नापायद हो चुके हैं। अभी हम हैंड सैनिटाइज़र की तरफ जाते हैं। पहले मेरी आप सब से गुजारिश है कि समाज के लिए लड़ो। अगर लड़ नहीं सकते तो लिखो, अगर लिख नहीं सकते तो बोलो, लेकिन अगर आप बोल भी नहीं सकते तो जो बोल रहे हैं इनका साथ दो, साथ दो। अगर साथ भी नहीं दे सकते तो कम से कम उनका हौसला बढ़ाओ, क्योंकि वो आप के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी बारे में मैं आपसे एक शेर अर्ज़ करता हूँ। तखैल में अचानक तस्वीर बन रही है, ये दुनिया रफ्ता रफ्ता कश्मीर बन रही है। वो ताफन है कि इस बार ज़मीन के बासी अपने सजदों से गए, रिजक कमाने से गए। दिल तो पहले ही जुदा थे यहाँ बस्ती वालों, क्या कयामत है कि अब हाथ मिलाने से भी गए। हैंड सैनिटाइज़र जरासीम कुछ महलूल का मरकब होते हैं जो बआसानी घर पर बनाए जा सकते हैं। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए 200 मिलीलीटर पानी। इसके अंदर हम 100 मिलीलीटर स्प्रिट डालेंगे और इसमें 5 से 10 मिलीलीटर डिटोल डालकर आहिस्ता आहिस्ता 5 मिनट तक हिलाएंगे। इसके बाद हम इसमें 2 चम्मच नमक के डालेंगे। इसमें हम पानी की जगह पे अरके गुलाब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगर हम चाहते हैं कि इसे हम अपनी पॉकेट में रखें तो इसके लिए ज़रूरी है कि हमें चाहिए ड्रापर, जो आई ड्रापर होता है वो खाली हो। उसे हम अच्छी तरह धो के उसमें डाल के इसे अपनी पॉकेट में भी रख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम। हैंड सैनिटाइज़र घर पर बनाना सीखिए। करोना वायरस के ख़तरे के पेश नज़र